कितना पे कर रहे हो अकोमोडेशन का लेस्टर में? 84 pounds पर वीक पर पर्सन। फिर भी एक सीन हो गया था कि जो टैक्सी वाला था बोला आपका पैकेज नहीं लेंगे, सिर्फ दो लोग का आप बोले तो दो लोग ही लेंगे, उसमें भी एक सीन हो गया था। अच्छा? उसको हम लोग समझाया, वो भी इंडियन था तो समझ के ले लिया। कि आप इंडिया से ही कुछ नए नए स्किल सीख के आए तो बेटर है। जैसे कि हम लोग इधर लैंड हो तो हम लोग दो तीन दिन में घूमने भी लगे, पूरा हम लोग ऐसा सिटी सेंटर वगैरह घूमते थे कि कहीं एडे बॉय दिख जाए कैब करने में, मगर कम से कम पार्ट टाइम के लिए 1 से 2 महीना तो आपको वेट करना ही होगा। मेरे हिसाब से आप 3,300 pounds नहीं, 3,300 तो हम लोग दोनों साथ में थे, मगर आप अकेले आ रहे हो तो कम से कम 500 pounds का प्रॉब्लम हो गया इधर आके भी। तीन इंस्टॉलमेंट था, उसमें से एक इंस्टॉलमेंट मैंने पूरा पे किया, बट बाद में इसको लीगल नोटिस आना स्टार्ट हो गया। स्ट्रगल नहीं करेंगे सक्सेस का मजा कहाँ से? कर दी आई क्योंकि आपका वीडियो देखे थे ना कि यहाँ बहुत महंगा, और इधर है जो बच्चे लेस्टर में वो पहचान लेंगे। मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे और अपने भाई मिले थे, मिलवाता हूँ जल्दी से। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अनुज गुप्ता है, मैं मुंबई से हूँ। ओके, मेरा नाम निखिल है, मैं मुंबई से हूँ। बहुत बढ़िया भाई। लोगों सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किसने किया था? मैंने किया था भाई। मैसेज किया था मैंने किया था क्योंकि आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिला है हमको, खास करके हम लोग तो बीच में स्विच भी कर दिए थे, बट आपकी ही ब्लॉग देख के हम लोग रिटर्न यूके का प्लान किए, और आपकी हेल्प से आज हम लोग एकदम बहुत प्रॉपर है। अकोमोडेशन हो गया, फूड एंड सब कुछ एकदम इंडिया से ही प्लान करके आए थे आपका वीडियो देख के। तो नहीं मतलब बहुत हेल्प मिली है, मैं जेन्युइन बोलूँ ना, मतलब एडी बॉय का वीडियो देख के, मतलब जो भी हम लोग का सामान था, मतलब क्या क्या लेके आना है मुंबई से एंड इधर आके क्या क्या करना है, क्या क्या ढूंढना है, क्या नहीं मिलेगा इधर, क्या महंगा मिलेगा, तो बहुत हेल्प मिली है एडी बॉय के वीडियो से। भाई थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरा वीडियो बनाने का, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। दिस इज़ व्हाट आई डू एंड व्हाई आई डू दिस। टू बी ऑनेस्ट कोई पूछेगा ना कि आप व्लॉग्स क्यों बनाते हो, तो मैं व्लॉग्स इसलिए बनाता हूँ कि आप जैसे भाइयों को हेल्प मिल जाए और मेरा काम हो जाए। तो बड़ा अच्छा लगा, भाई का मैसेज आया, मैं मिलने आया हूँ, और दोबारा मिलके बड़ा बहुत बढ़िया लगा, हाथ मिला इसी बात पे। और उससे भी तो ध्रुव भाई मुंबई में क्या किया है और यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? तो मैं मुंबई में बैचलर किया हूँ BMS इन मैनेजमेंट स्टडी और स्माइल स्कूल कॉलेज से। ओके, और मैं अपने ग्रेजुएशन का टॉपर भी हूँ। अरे वाह, अरे क्या बात। हाँ, उसके बाद मैं MSc इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से। हाँ, हम लोग चाइल्ड हुड फ्रेंड है। बहुत बढ़िया, बचपन से साथ में ही है। चड्डी बड्डी, चड्डी बड्डी। बहुत बढ़िया। और भाई ने क्या किया? मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया हूँ डालमिया कॉलेज से, एंड अभी मैं भी सेम ही कोर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से। तो हम लोग का प्लान एक ही था कि दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगे, एक ही कंट्री में जाएंगे और एक ही कोर्स करेंगे। दोस्ती पक्की ऐसी होनी चाहिए यार। यू गाइस आर वेरी लकी कि साथ में आ पाए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, लोनलीनेस होती है, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा कि साथ में, इट्स लाइक हैविंग अ फैमिली। और तो बहुत मतलब आने के टाइम हम लोग को बहुत डिफिकल्टी हुई, लाइक मतलब हम किसका वीजा पहले आ गया था, मेरा बाद में, डर हो गया था कि मेरा कुछ सीन ना हो जाए, क्योंकि ये लोग का यूके भी आएगा, बहुत अलग अलग सीन रहता है। तो इसका आ गया था, मेरा एक हफ्ते बाद आया, मैं तो डर गया, इसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मगर मेरा भी होपफुली आ गया, इसके साथ ही आ गया, उसके एक दो दिन बाद ही आ गया। अच्छा, बिल्कुल सही है, मतलब साथ में आ गया, साथ में आयो फ्लाइट में। क्या पढ़ रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो? MSc इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से। बहुत बढ़िया, तो मतलब 2 हफ्ते हुए हैं। हाँ, 2 हफ्ते। कैसा लग रहा है कोर्स और कैसी लग रही है यूनिवर्सिटी? 18 को हम लोग का ओरिएंटेशन था, तो उसमें तो फर्स्ट क्लास सब कुछ था, लंच वंच फ्री दिए थे यूनिवर्सिटी ने, ये अच्छा लगा मुझे। अच्छा, प्लस ना हम लोग की जो यूनिवर्सिटी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी दी थी तो एयरपोर्ट से, वो भी अच्छा लगा। अरे वाह, कौन सी एयरपोर्ट से? हीथ्रो, हीथ्रो लंदन से। ओके, तो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए तुमने एक्स्ट्रा पे किया था? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी ने फ्री। वेरी गुड, उसको वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, उसके बाद होता है। ये हम लोग को पता नहीं था, हम लोग एंड एंड मोमेंट पे किए। हाँ, और होपफुली हो गया, आ गया बस। बट बस ने भी पूरा अकोमोडेशन तक नहीं छोड़ा, वो एडिंगटन रोड तक ही छोड़ा, उसके बाद हमने प्राइवेट टैक्सी किया। अच्छा, 7 pounds गया। नहीं, मगर वो जो सीनरियो था ना रात का, क्योंकि जो बस हम लोग का था वो छोड़ा हम लोग एविंटन, उस टाइम पे टाइम हो रहा था 10:30 रात का, तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था टैक्सी कहाँ से ले, एंड हम लोग के पास कुछ कार्ड वगैरह नहीं, कैश ही था, तो हम लोग ने पूछे लोग से, तो वो लोग बताए, एक नंबर दिए, तो उसके बाद वो हो गया, मगर होपफुली। चलो फिर भी लेस्टर तो आ गया। फिर भी एक सीन हो गया था कि जो टैक्सी वाला था बोला आपका पैकेज नहीं लेंगे, सिर्फ दो लोग का आप बोले तो दो लोग ही लेंगे, उसमें भी एक सीन हो गया था। अच्छा, उसको हम लोग समझाए, वो भी इंडियन था तो समझ के ले लिया, बोला आप पहली बार आया तो ठीक है कर लेते हैं।
वो अच्छा लगा कि इधर के लोग भी अच्छे हैं, जेन्युइन है। भाइयों भाइयों का यही फायदा होता है, जब सीन होता है तो सुलटा लेते हैं। सुलटा इंडियन की खासियत है, सीन भी इनका सुलटा लेते हैं। पर बहुत अच्छा है, आ गए। कैसा लग रहा है लेस्टर, कैसी है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, अभी स्टार्टिंग है, 24 से लेक्चर है, तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ओरिएंटेशन में भी समझाया कि मींस वर्क पे कम ध्यान देके पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, आप फेल हो गए तो आपका स्टडी स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी नहीं मिलेगा, वो बहुत कुछ बताया, मतलब समझाया, बहुत कुछ समझाया, तो अच्छा भी लगा वो सुन के। मतलब हाँ, तब लगा कि फोकस भी करना है अभी स्टडी पे, ना तो एक बाकी सीधा आके जॉब वगैरह, मगर अभी एकदम फोकस है कि अपनी स्टडी पे भी पूरा फोकस करें। मतलब भाई लोग अभी 2024 में जनवरी में आए हैं, भाई पार्ट टाइम जॉब्स का और अकोमोडेशन का बताओ, पहले अकोमोडेशन कैसे हुई है, हो गई है सॉर्ट आउट? हाँ, अकोमोडेशन तो हो गया, बट इंडिया से किया था? हाँ, इंडिया से ही किया था, बट प्रॉब्लम हो गया इधर आके भी। हाँ, 3 इंस्टॉलमेंट था, उसमें से इंस्टॉलमेंट मैंने पूरा पे किया। हाँ, बट बाद में इसको लीगल नोटिस आना स्टार्ट हो गया कि आप भी पे करो। तो मेरा तो एक ही कहना है कि आप जो भी करो सोच समझ के करो, और सब कुछ चेक करके करो, रिव्यू चेक करो पहले, तो जहाँ से आप कर रहे हो ऑनलाइन, जहाँ से भी, मगर इंडिया से ही करके। अब इधर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलना था, क्योंकि हम लोग एक फ्रेंड था यूनिवर्सिटी में मिला था, वो को एंट्री से ट्रैवल करके आ रहा था, क्योंकि उसको अकोमोडेशन यहाँ लेस्टर में नहीं मिला, तो इसलिए देख के आओ, इंडिया से ही करके आओ, इधर कुछ नहीं मिलना। हमेशा मैं अकोमोडेशन के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ, शुरू से बोलता आ रहा हूँ। चलो, तुम्हारा सॉर्ट आउट हो गया प्राइवेट, कितना पे कर रहे हो अकोमोडेशन का लेस्टर में? 84 pounds पर वीक पर पर्सन। वन बेडरूम फ्लैट है तो मतलब महीने का दोनों का कितना पड़ जाता है, महीने का एवरेज 700 तक जाता है। 700 पाउंड्स पर मंथ वन बेडरूम फ्लैट शेयर कर रहे हो, किचन है, सब कुछ है, बिल्स बिल्स इंक्लूडेड है, और यूनिवर्सिटी के पास है। हाँ, यूनिवर्सिटी के मतलब मींस आधा घंटा लंबा है, आधा घंटा फिर भी चलता है। पर अभी शॉपिंग कर रहे थे तुम दोनों, बच्चे पूछते क्या एक्सपेंसेस हैं लेस्टर में, दो हफ्ते हुए तुम्हें 2024 में, जो बच्चे प्लान कर रहे हैं आने के लिए कितने पैसे लेकर आए, हाउ मच मनी शुड दे ब्रिंग विद देम? यहाँ तो हम लोग नॉर्मली 200 pounds करेंसी चेंज करके लाए, अभी बहुत बचा है, बट ये है कि मींस मतलब हिसाब से यूज करेंगे ना तो ठीक है, क्योंकि ना आपको हम लोग बहुत राशन वगैरह सब हम लोग इंडिया से ही भर के लाए थे, कपड़ा वगैरह बहुत, आपका वीडियो देखे थे, ग्रोसरी हम लोग इंडिया से ही चावल दाल सब लेके आए थे। 46 था, 46 में इसमें ही हम लोग का कपड़ा वगैरह सब हो गया, 146 में पूरा ग्रोसरी का सामान लोग भर के लाए थे, क्योंकि हम लोग, क्योंकि आपका वीडियो देखे थे ना कि यहाँ बहुत महंगा, और इधर है महंगा, राइस बहुत महंगा, 20 kg राइस 3600 का, मींस 36 pounds 36 pounds ठीक है, 3600 rupees 3600 rupees। चलो, शुक्रिया मेरे ब्लॉग से भाइयों ने कुछ, तो आई एम ग्लैड कि तुम कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत रियली। तभी मैंने सामने से लेस्टर बॉय, मतलब एडी बॉय को मैसेज किया मैं, सही है बहुत है। और आपको जब हम लोग इधर लैंड हो तो हम लोग 2-3 days में घूमने भी लगे पूरा, हम लोग ऐसा सिटी सेंटर वगैरह घूमते थे कि कहीं एडी बॉय दिख जाए, कैप करने में मगर कुछ दिखा नहीं, और ऊपर से आप बीच में कहीं गए भी थे, पोलैंड वगैरह घूम रहे थे, फिर हम लोग को लगा आप नहीं हो इधर लेस्टर। पर भाइयों का मैसेज मिलते ही आया या नहीं आया? अगले दिन ही हम मिल रहे हैं। नहीं, मगर ये अच्छा लगा कि आपने, मतलब हम लोग ने मैसेज किया तो आप तुरंत रिप्लाई किए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई रहता ना कि नहीं करते, रहता है एटीट्यूड की नहीं, अरे क्या एटीट्यूड में तुम्हारी तरह ही तो भाई हैं यार हम तीनों, कैसी बात कर रहे हो यार। वही अच्छा लगा वो चीज मेरे को देख के कि आपने तुरंत रिप्लाई किया, रिप्लाई देना बहुत बड़ी चीज होती है कि मतलब तुम लोगों के लिए तो वीडियोस बनाता हूँ यार, और किसी तो मतलब अकोमोडेशन का भाइयों ने बता दिया है आपको। भाई पार्ट दो हफ्ते हुए, पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है, बच्चे पूछेंगे हमेशा यही सवाल रहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें, मिल रही है जॉब्स? नहीं है पार्ट टाइम का रियलिटी बोले तो हम लोग आए, जिस दिन लैंड हुए उसके अगले दिन ही सीवी वगैरह बनाए, ऑनलाइन इंडियन टोटल जॉब बहुत वेबसाइट पे अप्लाई किए, आज ऑलमोस्ट 40-50 days हो गया, बट अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑनलाइन में तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके उस पर भरोसे पे तो रहना ही मत, क्योंकि आपको अभी तो हम लोग ऑनलाइन पे पूरा कर लिए मगर उस पर भी मिला नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब तो अभी वो एक चेक करना है कि अभी अब फिजिकल घूमना पड़ेगा लेके। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि आप अपना सीवी और ये सब प्रॉपर अच्छे से बनाओ, और प्लस अपना जो यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है ना उसके हिसाब से करना, क्योंकि जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है वो डेली हो रहा है आजकल। हाँ। तो वो बस सीन हो जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी को ब्रेक मत करना पार्ट टाइम की वजह से, तो वो बहुत अलग सीन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि आप वहीं से जितना पैसा कैरी कर सको उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप सोचोगे कि आके अगले दिन पार्ट टाइम मिल जाएगा, सब मैनेज कर लेंगे, हमेशा मतलब तो कितने पैसे मिनिमम बच्चे लेकर आए अभी जो 2024 में प्लान कर रहे हैं फरवरी में आने के लिए? मिनिमम बोले तो फिर आप तो कम से कम पार्ट टाइम के लिए 1-2 महीना तो आपको वेट करना ही होगा, मेरे हिसाब से आप
3300 pounds. नहीं 3300 तो हम लोग दोनों जन साथ में थे, मगर आप अकेले आ रहे हो तो कम से कम 500 pounds आपको, मगर अकोमोडेशन बुक करने के बाद मतलब ये साइड में एक्स्ट्रा लिविंग एक्सपेंस के लिए मतलब 500 to 1000 pounds होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट जितना आप अफोर्ड कर सकते हो एक्स्ट्रा। बट यहाँ पार्ट टाइम का कुछ भी गारंटी नहीं है, कब आपको मिले कब नहीं मिले। और बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि आपको रेफरेंस से मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता इधर रेफरेंस से, खुद आपको करना पड़ेगा सब कुछ, खुद करना पड़ेगा, खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वो भी बहुत स्ट्रगल है कि घर पे कैसा, इंडिया में कैसा है कि खुद बन के उनके मिलता है सिर्फ खाओ, मगर इधर खुद बनाना पड़ता है। हम लोग कि आप इंडिया से ही कुछ नए नए स्किल सीख के आए तो बेटर है, जैसे कि हो गया कि आप काउंटर स्टाफ के मेंबर, ये सब एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा तो आपको फिजिकल सीवी लेके जाओगे तो तुरंत आपको जॉब मिलेगा। मतलब, बहुत अपॉर्चुनिटी मतलब इंडिया में जैसे मैं बोलता हूँ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट है आपको यहाँ पर, यूके में बहुत बेनिफिट है काम ढूंढने में इसका। भाई मतलब आ गए हो, ओवरऑल अच्छा लग रहा है, इट्स अ गुड डिसीजन। अच्छा तो है, मतलब मजा तो आ रहा है, स्ट्रगल है जिंदगी से, रोलर कोस्टर राइड यार, स्ट्रगल एकदम थोड़ी होगा, बस ठंडी भी बहुत है तो वो भी ध्यान रख के आना, ठंडी बहुत है इधर। ऐसा तो होगा नहीं कि एयरपोर्ट से उतरेंगे और फूल बरसेंगे हमारे ऊपर, बट यू दैट्स व्हाई मैं व्लॉग्स जो बनाता हूँ यही बताना चाहता हूँ कि बच्चे अभी आए हैं ये 2024 में जनवरी में, अपनी जर्नी प्लान करो, इनके एक्सपीरियंस से सीखो, जो इनसे मिस हो गया वो करो। भाई जाते जाते ये बताओ अभी बम्बई में मुंबई में सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही है? फैमिली और फ्रेंड्स की ही आ रही है, इसकी भी बहुत आ रही है क्योंकि अकेले रहते हैं ना हम लोग रूम में, तो क्या दो तीन हम लोग जो फ्रेंड है उधर, नाम बताओ उनके जल्दी से। अभिषेक नाम है, बहुत अच्छा है, खास है बहुत, वो साथ में रहता ना तो मतलब कुछ सीन नहीं, मगर अभी वो है नहीं, ठीक है आ जाएगा वो भी आ जाएगा, तुम सेटल हो जाओ। फैमिली की भी बहुत याद आती है, मतलब मॉम डैड बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अकेला फील हो जाता है इधर, मम्मी पापा तो हमेशा दोस्त लोग भी साथ में, मगर तो भी एक फील होता है कि मतलब फैमिली नहीं है तो ऊपर सब नया नया रहता है इधर। पहले तो मुंबई में यही सोचते थे कि अकेले जाएंगे रहेंगे, हो जाएगा दोनों बेस्ट फ्रेंड है साथ में, बट यहाँ आने के बाद रियलिटी पता चलता है कि फैमिली कितना मिस होती है, क्या एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, और घर की घर जब छोड़ते हैं उसके बाद पता लगता है। घर में तो मम्मी चिल्लाती है खाना खा लो, बाहर खा रहे हैं, अभी याद आ रही है मम्मी के खाने की, झूठ बोलना पड़ता है। अरे यार, अरे सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं यार ये भी एक्सपीरियंस है, मजे लो। स्टडी अब्रॉड सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, सो एंजॉय। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो सक्सेस का मजा कहाँ से, बिल्कुल कर दी आई आई शपथ, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आ रहा है इधर, मगर जो भी है जैसा भी इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, गोरे लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि जितना सोचे थे वहाँ तक आज खड़े हम लोग। अरे वाह, मतलब हाँ जितना सोचे थे, बहुत बढ़िया भाई, हम लोग सोचे थे आज खड़े, क्योंकि हम लोग को जो मेरा ग्रेजुएशन अप्रैल में ही होता 23 में, उसके बाद मेरे को 8 महीना लगा ये सब करने में पूरा, मतलब बहुत सीन हुआ है बीच में, बहुत सारे सीन हुए कि मतलब कुछ भी आसान नहीं है यार, कुछ भी आसान नहीं है, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी ही हो जाएगी, पर फेस करने वाले होने चाहिए, पेशेंस, मेन पेशेंस रहना चाहिए यहाँ खड़े हो गए, मगर आपके अंदर मेन पेशेंस होना चाहिए कि सबर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन हो गया था हम लोग के साथ कि हम लोग को एकदम खत्म करना हो गया था कि अब नहीं जा पाए, पर हार नहीं मानी ना, हार एकदम नहीं। तो भाई भाई मिले हैं, कितनी भी देर बात कर सकते हैं। एक और सवाल आखिरी, जल्दी से बताओ बच्चों को क्या प्लान करें जो अब आ रहे हैं, जो आपसे मिस हो गया हो कोई भी एक आधी चीज। यही है कि मीन्स मैंने एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर था, सो आप प्लीज़ एक्सपीरियंस ही लेके आए यहाँ, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, और करेंसी आप ज़्यादा ही थोड़ा एक्सचेंज करके रखें, क्योंकि हमारा ख़त्म होने वाला है, अभी तक पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिला नहीं, और देखा जाए तो मीन्स कि और दाल चावल ज्यादा लेके आए, दाल चावल ज्यादा लेके आए, चावल बहुत महंगा, बहुत महंगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान ज़्यादा लेके आओ, और कपड़े तो इधर आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वहाँ के जैकेट नहीं चलते, ठंडी गर्म कपड़े चाहिए, मैं बोलता हूँ इंडिया के तो चलते ही नहीं है कपड़े, यहाँ से लेना ही पड़ेगा। तो भाई कितनी भी बातें कर सकते हैं, भाई अभी 2 हफ्ते पहले आए हैं, आई होप कि इनकी जर्नी से आपको मजा आएगा, हेल्प मिलेगी। अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, यू नो माई वेंचर गो ग्लोबल विद डैडी, लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक द वेबसाइट, फिल इन योर डिटेल्स एंड माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। यूनिवर्सिटी जो भी प्लान कर रहे हो, SOPs, एजुकेशन लोन, सब में हेल्प करते हैं हम। बाकी भाई मिलते रहेंगे और वीडियोस बनते रहेंगे, फॉलो करो एडी बॉय को, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। अरे थैंक यू गाइस, बहुत सही में बहुत हेल्प मिला है, सही आज हम लोग खड़े हैं प्रॉपर, तो यही वजह, अरे नहीं सामने से मैसेज किया था, अरे कोई नहीं यार, बहुत हेल्प, इसीलिए बनाता हूँ गाइस, इसीलिए वीडियोस बनते हैं, बहुत अच्छा आपका चल रहा है जो भी है, और मुझे अच्छा लगा, मुझे एक बार ऐसा लगा था कि आपको कैमरामैन में अगर अभी मान लो सेल्फी करते हो, खुद ही कैमरामैन हूं भाई, वो अच्छा लगा। तुम भाइयों के लिए व्लॉग्स बनते हैं, स्टूडेंट्स के लिए व्लॉग्स बनते हैं, और बनते रहेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय।